राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों के लिए अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके नीरज बवानिया गैंग के 9 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 2 पिस्टल समेत करीब आधा दर्जन हथियार और 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। इन बदमाशों के ऊपर कई थानों में विभिन्न मामले दर्ज थे, जिसमें से एक बदमाश अभी अंतरिम जमानत पर बाहर था। यह सफलता दिल्ली की रोहिणी जिला की कंछावला थाना पुलिस को मिली है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े यह बदमाश नीरज बवानिया और उनके गिरोह के सदस्य हैं। यह बदमाश जिन पर दिल्ली के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं, दिल्ली पुलिस को यह सफलता रोहिणी जिला के कंछावला थाना पुलिस को मिली। वहीं यह सफलता में दिल्ली पुलिस नीरज बवानिया गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको सारा मिल गया? सर जी, सर बताएं क्या प्रॉब्लम? ये बात है परसों की, टू डेज बैक। एक जो हमारे बीट कांस्टेबल है हवा सिंह, ये नॉर्मल पेट्रोलिंग पे थे अपने इलाके में, और इनकी इलाके में सूझबूझ की वजह से और अपने इलाके में इनको इन्फॉर्मेशन होने की वजह से कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये केस वर्कआउट हुआ है। इन्होंने 2 गाड़ियों में कुछ लड़कों को बैठ के जाते हुए देखा और ऐसी प्रॉपर्टी में एंटर करते हुए देखा जिसके बारे में इनको पता था कॉन्स्टेबल हवा सिंह को कि ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और यहाँ पे कोई रहता नहीं। तो कांस्टेबल हवा सिंह ने एक डिस्क्रीट वॉच रखी और अपने एसएचओ को इन्फॉर्म किया। एसएचओ तुरंत इस इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस समझते हुए 20 से 22 आदमी लेके वहाँ पहुँचे, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और ब्रीफ स्ट्रगल के बाद तमाम अक्यूज को काबू किया। इनके पास से 5 वेपन मिले हैं, जिसमें 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हैं, करीब 20 कार्ट्रिजेस हैं वेरियस बोर के, 3 लग्जरी व्हीकल्स हैं, एक टोयोटा लिवा, एक स्कॉर्पियो और एक मर्सिडीज बेंस, जिनकी ओनरशिप हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। साथ में इनके पास 2 फरसे भी थे, जो हैवी फरसे हैं, जो एक्सेस हैं, वो भी मिले इनके पास। इनका इरादा ये था कि ये यहाँ पे असेंबल हुए थे, इनके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, पैसे वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो ये यहाँ आए थे किसी वारदात को अंजाम देने के लिए। इन्होंने ये सोचा था कि जो रात में यहाँ पे स्टोर्स वगैरह चलते हैं, जो पेट्रोल पंप चलते हैं, उनको टारगेट करेंगे, टारगेट करके उनको लूट करके तुरंत इस एरिया से एग्जिट कर जाएंगे। ये इनका गेम प्लान था जिसमें हम लोग उसको रोकने में सफल हो सके। अब इसमें जो हम लोग ने 9 लड़कों को पकड़ा है, इनका बैकग्राउंड आप अगर जानना चाहें, इसमें से एक नवीन एलियास विक्की है जिसके खिलाफ 11 केसेस हैं। ये आपको ध्यान होगा कि 2015 में एक मंगोलपुरी में केस रजिस्टर हुआ था मर्डर का, जिसमें नीरज बवानिया और इसने मिलकर एक राइवल गैंग के एक आदमी को मार दिया था विद इन द जेल वैन से। ये उसी केस में इंटरिम बेल पे है। इसी तरह ये एक बागपत में केस हुआ था जिसमें एक आपको ध्यान होगा कि बागपत में अमित नाम के आदमी को पुलिस कस्टडी से लेके भागे थे, उसमें भी ये इन्वॉल्व था। ये बेसिकली नवीन जो है ये आसियान विलेज रोहतक का रहने वाला है, 12वीं क्लास तक पढ़ा है इसने और यहाँ पे आया करता था दिल्ली घेबड़ा विलेज में अपने मामा के पास। यहाँ पे इसने एक आर्म्स एक्ट में किसी पे फायरिंग कर दी थी, तो आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर हुआ इसके पास पहली बार 2011 में। जब ये जेल गया तो वहाँ इसकी नीरज बवानिया से मुलाकात हुई। सब्सिक्वेंटली नीरज बवानिया के कहने पे इसने कई सारे वारदात को अंजाम किया। एक पहला जो इसका केस आया वो 2011 का ही है, जब इसने किसी करतार मोंडोती को इसने गोली मारी थी, देयर वाज द फर्स्ट केस। उसके बाद कुछ लोगों के साथ मिलकर इसने प्रदीप थैया और लीला का मर्डर कर दिया था रानीबाग एरिया में, ये 2014 का इंसिडेंट है।
उसके बाद इसने ही अमित इलियास भूरा को कस्टडी से छुटाने में मदद करी थी अलॉन्ग विद सम अदर्स एसोसिएट्स। ये यहाँ पे प्रशांत विहार में भी अरेस्ट हुआ है 2015 में कारजैकिंग के केस में, पर क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया हुआ है। दूसरा जो एसोसिएट है अरविंद, अरविंद अरविंद के खिलाफ अब तक केवल एक ही केस है, बट हिज स्टोरी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये नीरज बवानिया के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। नीरज बवानिया जब स्कूल से इसको दरखास्त कर दिया गया बिकॉज वार्डन से मारपीट कर ली थी, तो इसने स्कूलिंग अपनी कंटिन्यू करी, फिर इसने बीएससी किया टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फिर एनआईएफडी सोनीपत में पढ़ाई भी करी इसने, बीएससी टेक्सटाइल किया हुआ है, फिर डिजाइनर का काम भी किया है पानीपत में इसने वेरियस आउटलेट्स में। अच्छा, फिर इसने रामवीर शौकीन के साथ मिलकर यहाँ पे आया और इलेक्शन कैंपेन वगैरह में पार्टिसिपेट किया अरविंद ने सर, अरविंद ने, और इसकी भी मुलाकात रामवीर शौकीन के यहाँ ही नीरज बवानिया से हुई और धीरे धीरे नीरज बवानिया के गैंग में शामिल हो गया और उनके उसके बिहाफ पे एक्सट्रॉशन वगैरह करने लगा, और इसके इसके खिलाफ एक ही केस है और स्पेशल सेल में बंद हुआ है आर्म्स एक्ट के केस। जहाँ तक और ऐसे केस का सवाल है, एक इसमें सुबेक सिंह है, ये सुबेक सिंह की उम्र 20 साल है, 12th क्लास ये ड्रॉप आउट है। दो केसेस हैं सुबेक सिंह के खिलाफ, एक आम शहर का लाजपत नगर में जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर को मार दिया था, दूसरा एक कोटला मुबारकपुर का एक केस है, अगेन 307 का केस है। दूसरा जो इनका इम्पोर्टेंट साथी है वो नीरज है, 40 इयर्स ऑफ एज है इसकी, 40 साल का है, बलजीतपुर का रहने वाला है। दो केसेस हैं, एक आर्म्स एक्ट का केस है क्राइम ब्रांच का और एक केस है करोल बाग का इसके खिलाफ। नीरज बवानिया का रिलेटिव है और नीरज बवानिया को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बिजनेस। इसी तरह दो लड़के हैं करण और अमित, ये एक पलवल का रहने वाला है करण, एक अमित का, अमित जो है कालका जी का रहने वाला है। अभी रिसेंटली इन्होंने ये गैंग को ज्वाइन किया हुआ है, अभी इनके खिलाफ कोई केसेस नहीं है। बाकी जो बाकी साथ इनके साथी हैं नरेश, महेश डागर, दिनेश सोनी, सभी के खिलाफ एक एक केसेस हैं। जितने भी लोग पकड़े गए सारे के सारे नीरज बवानिया गैंग, हाँ सारे के सारे नीरज बवानिया के गैंग में उसी के इशारे पे काम करते हैं, वही इनको कोऑर्डिनेट करके बताता है क्या करना है। मकोका जो लगा हुआ है मैं बता रहा हूँ, मकोका 10/15 अंडर सेक्शन 3-4 मकोका एक्ट स्पेशल सेल का केस है, ये नवीन एलियास विक्के के ऊपर है। सर ये जो अरविंद आप बता रहे हैं कि ये रामवीर शौकीन का इसने कैंपेन भी किया था और उसके वहीं पे मुलाकात हुई थी, तो क्या ये भरत सिंह जो एमएलए था उसको मारा गया था तो उस वाले मामले में कोई शामिल? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, अभी इंटरोगेशन अभी हो ही रहा है इनका, पर अभी तक कोई इसका कोई रोल उसमें नजर किसी का भी नोटिस में नहीं आया। इन नौ में से क्या भरत सिंह के मर्डर में कोई शामिल है? कोई है अभी तक के इंटरोगेशन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई। वेरियस फ्री मोबाइल फोन्स को ही पिक करता है अवेलेबल नंबर्स को, उसके थ्रू कनेक्शन सेटअप करता है। आप विदाउट यूजिंग अ सिम कार्ड, इनके किसी भी मोबाइल पे सिम कार्ड नहीं मिला, विदाउट यूजिंग अ सिम कार्ड आप इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू वाईफाई कॉल। जब इन्हें पुलिस ने पकड़ा तो सारे एक साथी थे कैसे? सारे एक साथी थे, उसमें से कुछ लोगों ने भागने की भी कोशिश करी, पुलिस ने उनको चेस करके भी पकड़ा। फायरिंग कोई नहीं हुई सर। जब ये नौ के नौ एक गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नीरज बवानिया गैंग से रिलेटेड है, नीरज बवानिया तो जेल के अंदर है, क्या जेल से होकर इन लोगों का हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए ये अभी हम इंटरोगेट कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी क्या है इनकी नीरज बवानिया से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की वो हम स्टैब्लिश करेंगे।
तो क्या इन लोगों ने कोई ऐसा कबूल किया है कि इन लोगों को निर्देश वहीं से जेल के अंदर से ही मिलते हैं? इंटरोगेशन में ये बात आई है। चलो इधर से हम कुछ वारदात करते हैं, पेट्रोलियम तो रात में चलते हैं यहाँ पर, ट्रकें बहुत आती हैं, जब रात में खूब फ्यूल लिया जाता है तो पेट्रोल पंप सा इजी टारगेट। कुछ यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे स्टोर है जो चलते हैं रात भर, देयर ऑल्सो टारगेटेड। ये सब इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, इसी प्लानिंग में ही लगे हुए थे। तिहाड़ के अंदर से कैसे ऑपरेट हो रहा था सर, इन्होंने कैसे इनको आदेश मिल रहा था, क्या मिलने के लिए जाते थे? ये जो आप ऐप बता रहे हो उस ऐप के थ्रू से भी बात, देखिए ऐसा है कि दो तीन चीजें हैं इसमें। ये कॉन्टैक्ट कैसे एस्टैब्लिश कर रहे थे इसके बारे में हमें पूछताछ और करनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के कई तरीके हैं, एक तरीका तो है कि वाया फोन, दूसरा तरीका है कि कोई मैसेज कैरी कर रहा था तो मिलने जाता था, वो मैसेज कैरी करके लाता था। तीसरा तरीका ये है कि ये किसी तरह इनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते थे जब ये कोर्ट में डेट पे पेशी पे आते थे। तो किस तरीके से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते थे, कहाँ करते थे, इसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। जी सर, आपने बताया कि ये हैंड ग्रैबिंग का कोई मामला के बारे में अभी तक कोई केस सामने आया नहीं है, सारे हीनियस केसेस हैं मर्डर के, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन के। ये जो प्रॉपर्टी जहाँ पे रुके हुए थे इनमें से किसी एक की जानकार की थी, जो इसमें से एक है जो आई थिंक नीरज के जानकार की ये प्रॉपर्टी थी। तो ये सब जो कारें मिली हैं, जो मर्सिडीज मिली है, ये किसकी है? ये अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, चोरी की नहीं है इतना तो पता चला, चोरी की नहीं। चोरी की सर, दूसरी जो गाड़ी है और जो दोनों तीनों गाड़ियां, जो भी गाड़ी चोरी की नहीं है अभी हम लोग ने जो वेरीफाई किया है उससे कहीं चोरी की नहीं है हम लोग के सामने आई है। दैट मीन्स ये या तो इन्होंने किसी से एक्सटॉर्ट किया है या किसी से छीन के लाए हैं या किसी इनमें से किसी एक की। सर ये वेपन्स या हथियार में कौन प्रोवाइड करवा रहा है ये तो अभी हम पूछते हैं। सर ये जो मर्सिडीज लाल रंग की जो मर्सिडीज आपने रिकवर की है, ये किसके, नवीन के पास से रिकवर की, किसके, किसकी है, किसके नाम पर है? यानी नहीं सर, नाम पे नहीं, यानी कि इसमें कौन चला कर लेके, नीरज चला रहा था शायद, नीरज चला रहा था, मतलब नीरज सुबेक चला रहा, सुबेक सर, सर जो मैरोली का रहने वाला। सर आपने बताया कि भागने की कोशिश, फरार करने का, क्या कोई इनमें से कोई क्या फरार होते, कोई निकल पाया? नहीं, कोई भी नहीं निकल पाया, सारे पकड़े गए। सर इनके थ्रू जो जानकारी मिल रही है अभी कुछ और गिरफ्तारी? बिल्कुल है, और अभी हम लोग ने इनके बारे में क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं हमारे, क्योंकि ये कई इसमें दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, उनको बताया है सर, सर वो आके इनसे बातचीत करेंगे। सर जो ये ऐप वाला आप बता रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए किस तरह से यूज होता था और क्या नाम है उसका थोड़ा। जी ये जो सेकंड लाइन में एक ऐप है, ये इसकी, इसका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाता है वो कैनेडा का दिखाता है। हाँ। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको जब इसके थ्रू जब आप कॉल करेंगे किसी नंबर को तो ये क्या करता है कि ये कुछ ओपन नंबर्स होते हैं जिसको कॉन्टैक्ट करता है, इंटरनेशनल नंबर्स, और इंटरनेशनल नंबर्स के थ्रू आपको कॉल रिसीव होती है। तो इसी वजह से सर इनको ट्रेस करना भी मुश्किल है। सर ये तो यानी कि सर वाईफाई कॉलिंग, जैसे ये अगर ऐप से कॉल करेंगे तो अगर सामने वाले के पास भी वही ऐप होना चाहिए या कंपलसरी है? सर वही ऐप होना चाहिए। अच्छा वही होना चाहिए, तो ये कॉल करेंगे किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी फिर वहां से कॉल। आई स्टैंड करेक्टेड, इसमें वो ऐप की जरूरत नहीं है। हाँ। जब आप कॉल रिसीव करेंगे, वाईफाई कॉल रिसीव करेंगे तो वो नंबर फिगर होगा जो वो रैंडमली पिक कर। अच्छा यानी कि अगर ये किसी दूसरे को कर रहे हैं तो उसके पास वो ऐप होना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं, ये विदाउट सिम के जरिए ही सारा, विदाउट सिम, सारे फोन में किसी में सिम नहीं मिला। तो जो ये रंगदारी वगैरह भी करते थे, जो वसूली भी करते थे, वो थ्रू इसी ऐप के जरिए कॉल करते थे? ये वाईफाई कॉलिंग के थ्रू ही संपर्क करते थे। तो ये माना जाए तो इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है क्या सर इस ऐप को? वाईफाई कॉलिंग सिक्योर कॉलिंग, और उसमें क्योंकि सिम कार्ड ना होने की वजह से आपको सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इन्होंने वाईफाई एस्टैब्लिश, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया है। अब आपने नोटिस किया होगा कई सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जिससे जो वाईफाई कॉलिंग को फैसिलिटेट करते हैं। तो पहले तो ये देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे ऐप्स यूज किए जा रहे हैं, एंड सेकेंडली उनके जो कंट्रोलर्स हैं, उनके जो सर्वर जहाँ पे स्टैब्लिश है उनको भेज करके फिर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इन्फॉर्मेशन मिलनी बड़ी मुश्किल होती है, तो बड़े खतरनाक ऐप है ये, तो टेररिस्ट भी यूज कर सकते हैं। बैन क्यों? देखिए ऐप्स का सिस्टम तो आपको पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। बैनिंग कोई सलूशन नहीं है, बिकॉज प्रॉक्सीज से ये फिर अवेलेबल हो जाते हैं।
अब इसमें एक सलूशन ये है कि एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाए जिसके थ्रू हमें जब इंफॉर्मेशन चाहिए हो लॉ एनफोर्समेंट को इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो सर ये कनाडा बेस्ड ऐप है? ये कनाडा बेस्ड है, इसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कनाडा का एड्रेस दिखा है। दिल्ली का या देश का, इंडिया का कोई नहीं है? नहीं सर। ठीक है सर। सर ये जो नवीन अलियास विक्की है सर, ये बेल पे आके क्राइम कर रहा है, ये इंटर बेल पे है इस पर्टिकुलर केस में 1683/15 अंडर सेक्शन 302 120B-34 पीएस मंगोलपुरी, ये इंटर बेल जंप कर के बोला। तो हम मंगोलपुरी थाने को भी अब इन्फॉर्म करेंगे जिससे उसके बेल कैंसिलेशन के लिए मूव कर सके। सर अभी रिसेंटली दिल्ली आउटर नॉर्थ में भी जो चार पकड़े गए थे उन्होंने भी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बिल्कुल फिल्मी तरीके से सारी वारदात को अंजाम दिया, लूट को अंजाम दिया। तो ये सारे काफी टेक्निकल लोग आ रहे हैं इसमें पढ़ाई का गलत फायदा उठा के, मतलब क्या मैसेज क्या जा रहा है धीरे धीरे? अपराध का स्तर जहाँ जा रहा है, अपराधी अभी रिसेंट वाला जो केस हुआ था आउटर नॉर्थ पे उसमें भी ऐसा ही है। आप हाईटेक तो नहीं कह सकते इनको, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस और उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जरूर कहा जा सकते हैं। सर एक ये बेगमपुर का मामला है जिसमें एक दंपति ने लड़की को रखा हुआ था, उसका यौन शोषण किया गया, उसे जीबी रोड पर बेच दिया गया, वो क्या मामला है सर? गिरफ्तारी भी हो गई है दंपति की, कमला मार्ग से रिपोर्टेड था, वो हम लोग के पास नहीं है, बेगमपुर थाने का नहीं है सर। नहीं नहीं कमला मार्केट वो फाइल होगा। ठीक है, थैंक यू।